इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है कि इंडिया के अंदर बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। इसलिए हम आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर वन बाय वन हम हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आपके लिए रिव्यू करेंगे। इस सीरीज का नाम है रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड सीरीज के पहले वीडियो के अंदर आज हम रिव्यू करेंगे HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। जानेंगे किस तरीके से कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, ताकि इस कंपनी को हम अच्छे से समझ पाए, जान पाए। इस कंपनी के बेस्ट सेलिंग प्लान्स कौन कौन से हैं या कौन कौन सी पॉलिसी आप इस कंपनी के थ्रू ले सकते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अब HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, यानी क्लेम देने के मामले में ये कंपनी कैसी है, इसका इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या है और सोल्वेंसी रेशियो क्या है, क्या कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि अपने सभी क्लेम्स को सेटल कर पाए, तो इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी हम चेक करने वाले हैं। अब कंपनी की एफिशिएंसी डिपेंड करती है इसकी ब्रांच नेटवर्क पर। तो HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की कितनी ब्रांचेज हैं जहां से अपने हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को ऑपरेट करती हैं, स्मूथनेस और एफिशिएंसी को बनाए रखती हैं, और इसके साथ साथ अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या आप लेने की सोच रहे हैं तो आपको क्लेम कैसे कैसे फाइल करना होगा, कैशलेस क्लेम फाइल करने का क्या तरीका है, रिइंबर्समेंट क्लेम आप कैसे फाइल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी जानकारी समझने के बाद HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इस पर मेरी राय क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं 2019 यानी 2019 से पहले HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि पहले ये थी अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिसे 2019 के अंदर HDFC लिमिटेड ने एक्वायर किया। ये एक्विजिशन होने के बाद इसे नाम दिया गया HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिसे बाद में 2020 में HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में मर्ज कर दिया गया। और जो आप आज के दिन बिजनेस देख रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का जो वर्टिकल देख रहे हैं, ये सब HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंडर ही आता है। तो आज के दिन HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस की जो पेरेंट कंपनीज हैं, वो है HDFC बैंक लिमिटेड, जो कि इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक है, और दूसरी जो पेरेंट कंपनी है वो है अर्गो इंटरनेशनल AG, जो कि म्यूनिक RE ग्रुप का हिस्सा है, जो जर्मनी से है। अगर बात करें HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस की ब्रांचेस की, तो ऑल ओवर इंडिया 200 प्लस इसकी ब्रांचेस हैं, जहां से ये अपने सारे हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को, जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन और ऑपरेशन के काम है वो इन्हीं ब्रांचेस के नेटवर्क के थ्रू किए जाते हैं। अब क्योंकि हम हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को रिव्यू कर रहे हैं, तो कैशलेस हॉस्पिटल्स की भी बात करना जरूरी है। पूरे इंडिया के अंदर 12,000 से ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर कोई भी पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी के कवरेज के हिसाब से कैशलेस ट्रीटमेंट्स ले सकता है, यानी कोई भी एडवांस पैसा इन हॉस्पिटल्स के अंदर उनको नहीं देना होगा। अब बारी आ जाती है HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के मार्केट शेयर को डिस्कस करने की। तो ऑल ओवर अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें, तो पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 6.5% इसका मार्केट शेयर है, जो इसे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बना देता है, और फोर्थ लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ही है। अब नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर मैं आपको HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्लान्स के बारे में बताऊंगा, जो प्लान्स ये कंपनी ऑफर करती है और ये कौन कौन सी जरूरतों को पूरा करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के बेस्ट सेलिंग प्लान्स की बात करते हैं, तो इनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है ऑप्टिमा सिक्योर प्लान का, जो इस कंपनी का बेस्ट सेलिंग प्लान है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान आपको पॉलिसी खरीदते ही 2x कवरेज देता है, और अगर आप ये पॉलिसी लगातार 2 साल रिन्यू करवा लेते हैं तो ये आपका कवरेज 4x तक हो जाता है, यानी जो आपका सम इंश्योर्ड है उसके 4 गुना तक आपका कवरेज बढ़ जाएगा। इसके अलावा ऑप्टिमा सुपर सिक्योर और ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल वेरिएंट भी आप चूज कर सकते हैं, जिसमें आप वर्ल्ड वाइड कवरेज ले सकते हैं। अब जो इस कंपनी का सबसे पुराना प्लान है वो है ऑप्टिमा रिस्टोर, जो इनहेरिटेंस में इस कंपनी को अपोलो म्यूनिक से ही मिला है। यानी ऑप्टिमा रिस्टोर इस कंपनी का सबसे पुराना प्लान है, जिसने बहुत गुडविल कमाई है, जो कि इसका बहुत ही पॉपुलर प्लान रहा है, और आज के दिन भी ये प्लान बेचा जा रहा है। इसके अलावा HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आपको क्रिटिकल इलनेस का प्लान मिलता है, जो कि 15 से ज्यादा गंभीर बीमारियों की कवरेज आपको देता है। सीनियर सिटीजंस भी इन प्लान्स के अंदर, जो भी प्लान्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें से अपने लिए प्लान चूज कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ज्यादातर प्लान्स के अंदर आपको अपर एज लिमिट नहीं मिलेगी। अगर आप HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में कैंसर का कवरेज लेना चाहते हैं, तो आईकैन कैंसर नाम से इनका प्लान आता है, जो कि कैंसर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स को ही कवर करता है, तो वो भी प्लान आप ले सकते हैं। सुपर टॉप अप प्लान का भी आपको ऑप्शन मिलता है। माई हेल्थ मेडिश्योर नाम से इनका प्लान है, जो कि एक सुपर टॉप अप प्लान है। अगर आपके पास कोई बेस पॉलिसी है, आपके पास कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है और आप एक सुपर टॉप अप प्लान लेना चाह रहे हैं, तो माई हेल्थ मेडिश्योर का ऑप्शन आपको HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में मिलेगा। अब क्योंकि सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, तो कुछ पॉलिसी होल्डर्स ऐसे भी हैं जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन, तो उनके लिए भी अलग से एक स्पेसिफिक प्लान आपको HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस में मिलेगा, और वो है
एनर्जी प्लान। एनर्जी प्लान के अंदर आपको टोटल दो वेरिएंट मिलते हैं, सिल्वर और गोल्ड। अपनी जरूरत के हिसाब से आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। डायबिटीज और हाइपरटेंशन से रिलेटेड स्पेसिफिक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इस प्लान के अंदर कवर की जाती हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है कि एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट कैसा है, यानी क्लेम देने के मामले में ये कंपनी कैसी है। तो ये जानने के लिए हम तीन मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये कहता है कि अगर एक कंपनी के पास पूरे साल के अंदर 100 क्लेम्स आते हैं, उनमें से कितने क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती है, वो इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। तो एचडीएफसी अर्गो का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 98.5%, यानी कि 100 में से 98.5 क्लेम जो है वो इस कंपनी ने सेटल की है, ऑलमोस्ट 99% आप कह सकते हैं। अब ये काफी अच्छा है। अगर किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अबव 95 है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो ज्यादातर क्लेम सेटल कर रही है। दूसरा जो मेट्रिक आता है वो है इनकर्ड क्लेम रेशियो। इनकर्ड क्लेम रेशियो ये कहता है किसी इंश्योरेंस कंपनी ने अपने प्रीमियम के तौर पर, यानी अपने क्लाइंट से पॉलिसी के प्राइस के तौर पर, प्रीमियम के तौर पर कितना पैसा इकट्ठा किया है और उसमें से कितना पैसा उन्होंने क्लेम्स के तौर पर वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो किसी भी कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो कहा जाएगा। इनकर्ड क्लेम रेशियो अगर किसी कंपनी का अबव 65 अबव 70 है तो उसे भी काफी अच्छा माना जाता है। और एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इनका इनकर्ड क्लेम रेशियो है 79.04, यानी कि इसे काफी अच्छा कहा जा सकता है। अब ये जो डेटा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो का, ये ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से लिया गया है, और जो इनकर्ड क्लेम रेशियो का और सॉल्वेंसी रेशियो का डेटा है ये आईआरडीए जो एनुअल रिपोर्ट है 2022-23 की, उससे लिया गया है। अब जो नेक्स्ट जरूरी मेट्रिक आता है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। एक इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको वादा करती है, आपको एश्योरेंस देती है कि अगर कोई क्लेम आता है तो हम आपको ये पैसा देंगे, तो पहले उनके पास ये पैसा होना चाहिए। और इस चीज को मेजर करने के लिए हर इंश्योरेंस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो देखा जाता है। आईआरडीए का जो मिनिमम बेंचमार्क है एक सॉल्वेंसी रेशियो के लिए वो है 1.5 का, यानी अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने अपने क्लाइंट्स को 100 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड दिया है तो उनके पास 150 करोड़ रुपए, यानी जितने की कवरेज उन्होंने अपने पॉलिसी होल्डर्स को दी है, उससे 1.5 गुना उनके पास पैसा, उनके पास फंड्स होने चाहिए। तो एचडीएफसी अर्गो का जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो है 1.7, जो कि 1.5 के बेंचमार्क से थोड़ा सा ऊपर है। तो फाइनेंशियली भी एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी काफी साउंड है। लेकिन इससे भी एक स्टेप आगे जाकर हमने इकरा की रेटिंग चेक की। इकरा एक फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी है जो अलग अलग कंपनीज की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करती है और उसके बाद उन्हें रेट करती है। इकरा की जो रेटिंग है सितंबर 2023 के हिसाब से एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो है AAA। जिस कंपनी को ये AAA की रेटिंग देते हैं इसका मतलब है स्टेबल, यानी ये कंपनी जो है वो स्टेबल है। और इकरा ने अपनी रिपोर्ट के अंदर तीन मेजर स्ट्रेंथ इस कंपनी की बताई है। सबसे पहले जो स्ट्रेंथ है वो है स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, यानी कि जो पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड वो काफी स्ट्रेंथ इस कंपनी को देता है, क्योंकि फाइनेंशियली वो पेरेंट कंपनी खुद बहुत साउंड है, खुद बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड जो स्ट्रेंथ है इस कंपनी की वो ये कि इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, यानी इनका जो बिजनेस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डाइवर्सिफाइड है, रिस्क एक जगह ज्यादा इकट्ठा नहीं है। और तीसरी एडवांटेज जो इकरा ने अपनी रिपोर्ट में बताई है वो है हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी, यानी जो भी इनका बिजनेस है उनके अंदर ये हेल्दी प्रॉफिट्स के साथ काम कर रहे हैं, यानी कोई भी लॉस मेकिंग इनका एसेट नहीं है, इनका बिजनेस या इनकी कोई भी कैटेगरी नहीं है। तो इस सारे एनालिसिस के बाद हम ये कह सकते हैं कि एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियली आपके क्लेम्स को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए पूरे तरीके से कैपेबल है। नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वो आता है क्लेम प्रोसेस का, यानी अगर हमारे पास एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी पॉलिसी है तो हम क्लेम्स कैसे फाइल कर सकते हैं, क्या ये क्लेम फाइल करना कन्वीनियंट है या क्लेम प्रोसेस ज्यादा हार्ड तो नहीं है, तो उसको एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम्स दो तरह के हो सकते हैं। पहला जो क्लेम है वो है कैशलेस क्लेम। कैशलेस क्लेम के लिए हमें एक नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर ही विजिट करना होगा, यानी कि जो 12,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं के अंदर हमें इलाज करवाना होगा। एक बार कैशलेस अप्रूवल आने के बाद जो हॉस्पिटल के बिल्स हैं वो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी सेटल कर देती है, अगर कोई डिफरेंस का अमाउंट है तो वो हमें पे करना होता है। अब कैशलेस क्लेम्स में भी दो तरीके के क्लेम्स आप फेस कर सकते हैं। पहला है इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, तो अगर कोई इमरजेंसी में एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर तो एडमिशन के 24 घंटे के अंदर हमें इंश्योरेंस कंपनी को जरूर इन्फॉर्म करना होता है कि आप ये क्लेम फाइल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कोई प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, यानी पहले से डायग्नोसिस हो चुका है और उसके बाद हमने एक डेट और टाइम को फिक्स किया है कि उस दिन हम ये ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो उस ट्रीटमेंट के डेट और टाइम से कम 2 या 3 दिन पहले आप क्लेम के लिए अप्लाई करें ताकि आपका कैशलेस अप्रूवल आ जाए और इलाज के दौरान आपको इसकी कोई टेंशन ना रहे। कैशलेस क्लेम्स में ज्यादातर कंपनीज में कोई दिक्कत नहीं आती है, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको टीपीए डेस्क को विजिट करना होता है और वहां पर अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसी होल्डर के आईडी प्रूफ वगैरह देने होते हैं और उसके बाद आपका कैशलेस क्लेम जो है वो प्रोसेस कर दिया जाता है। दूसरी तरह का जो क्लेम है वो है रिइंबर्समेंट क्लेम। रिइंबर्समेंट क्लेम में क्या है, या तो आप एक ऐसे हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं जहां पर
कैशलेस टाइप नहीं है इस इंश्योरेंस कंपनी का, या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने आपका कैशलेस क्लेम मना कर दिया है, अब आपको रिइंबर्समेंट क्लेम लेना होगा। रिइंबर्समेंट का मतलब क्या है, यानी डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पेमेंट नहीं करेगी, हॉस्पिटल की पेमेंट हमें खुद करनी होगी, उसके बाद हमें ये अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से लेना होगा। रिइंबर्समेंट क्लेम की प्रोसेस के लिए जो क्लेम फॉर्म है, डॉक्यूमेंटेशन जो है, वो बाकी कंपनीज की तरह सेम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें चेक करनी है वो ये कि ये रिइंबर्समेंट क्लेम हम ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं या ऑनलाइन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ऑफलाइन तरीके में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके अपने एजेंट को देने हैं या ब्रांच में आपको भेजने हैं, आपको कोरियर करवाने होंगे, वो ऑप्शन भी HDFC Ergo हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अवेलेबल है। वहीं पर ऑनलाइन तरीका भी अवेलेबल है, यानी आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके क्लेम फॉर्म है, इनवॉइसेस हैं, डायग्नोसिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, डायरेक्टली आप वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, वहीं से आपका क्लेम का स्टेटस आपको मिल जाएगा, आप स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स ये कहां अपलोड करने हैं, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। अब क्लेम से जुड़ी हुई जानकारी समझने के बाद मैं आपको HDFC Ergo जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बहुत ही जरूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहला जो है वो है टोल फ्री नंबर। अगर आपको कोई पॉलिसी चाहिए, कोई क्वेरी है, या ऑलरेडी आपके पास कोई प्लान है और आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई बात करनी है, कोई क्वेरी आपकी है, तो आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा। टोल फ्री नंबर जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह है 0226234634। लेकिन अगर आप अपनी बात लिखित में देना चाहते हैं, रिटर्न में इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो आप care@hdfcergo.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। ये इनकी कस्टमर केयर की ईमेल आईडी है। ये तो बात होगी किसी सर्विस क्वेरी की या किसी रिक्वेस्ट को रेज करने की, लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास एक HDFC Ergo हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है और आपको उससे कोई शिकायत है, कोई क्लेम रिजेक्ट हो गया है, सर्विसिंग में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपना ग्रीवेंस यानी अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। ग्रीवेंस का अलग से एक पोर्टल है, शिकायत विभाग है, जहां पर आप अपनी पूरी बात लिख सकते हैं। एक तय टाइम के अंदर आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। ग्रीवेंस कहां पर लॉन्च करना है, इसका भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। HDFC Ergo की कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपको उससे शिकायत है, तो इस ग्रीवेंस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब दोस्तों HDFC Ergo हेल्थ इंश्योरेंस की सारी जानकारी जानने के बाद अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं और वीडियो का फाइनल पार्ट आ जाता है कि मैं आपको इस पर अब अपना ओपिनियन बताऊं कि मुझे HDFC Ergo के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्या कमियां लगती हैं और क्या इसकी अच्छाइयां हैं। तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं, यानी इसके अंदर क्या अच्छी बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है HDFC Ergo हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, वो है गुड सर्विस, यानी इसकी सर्विस काफी अच्छी है, आपको ज्यादातर रिव्यूज पॉजिटिव मिलेंगे। हालांकि कुछ क्लेम्स में दिक्कत आ सकती है, इंक्लूडिंग एवरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन ज्यादातर रिव्यूज आपको पॉजिटिव मिलेंगे। इस अच्छी सर्विस के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ब्रांड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, जितना बड़ा ब्रांड होगा, वो अपने क्लाइंट्स का उतना ही ख्याल रखेगा, क्योंकि कोई भी अच्छा ब्रांड ये नहीं चाहेगा कि खराब सर्विस की वजह से उनकी जो ब्रांड की इमेज है और उनकी जो गुडविल है वो खराब हो। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड की वजह से सर्विसेज काफी अच्छी रहती हैं। और इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का थर्ड बेनिफिट है कि प्लान्स काफी इनोवेटिव है, आपको अच्छी खासी कवरेज इन प्लान्स के अंदर मिल जाती है। काफी इनोवेटिवली इन प्लान्स को डिजाइन किया जाता है, जैसे कि ऑप्टिमा सिक्योर प्लान है, बहुत ही अच्छा बिकने वाला प्लान है, ज्यादातर कवरेजेस के अंदर आपको मिल जाती हैं। हालांकि टाइम के साथ साथ प्लान्स को इवोल्व भी करना होगा, तो फ्यूचर में जितने ज्यादा और इनोवेटिव प्लान्स लेके आएंगे उतनी ही ज्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज इस कंपनी के पास भी रहेगी। अब दोस्तों HDFC Ergo हेल्थ इंश्योरेंस की कुछ कमियों की बात करते हैं, तो सबसे जो पहली कमी, सबसे ज्यादा जिक्र जिस कमी का होता है वो है हाई प्रीमियम। आप कभी भी बात करेंगे, अगर किसी को HDFC Ergo हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी शिकायत है, तो वो हाई प्रीमियम को लेकर है कि पैसा बहुत ज्यादा चार्ज करती है अपने प्लान्स के लिए। अब इसके पीछे अच्छी सर्विस रीजन हो सकता है, क्योंकि सर्विस की कॉस्ट आती है, क्लेम्स अच्छे देते हैं तो वो रीजन हो सकता है, या कुछ भी रीजन हो, लेकिन ये बात तो तय है कि बाकी जो कंपैरिजन में जो प्लान्स हैं, जो और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनसे इनका प्रीमियम हायर साइड पे रहता है। अब इतना ही काफी नहीं है, दूसरी कमी भी प्राइस से रिलेटेड है। एक बार तो मान लो हमने महंगी पॉलिसी ले ली और उसके बाद प्राइस स्टेबल चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उसके बाद भी फ्रीक्वेंट रिविजन्स हैं, यानी काफी सारी कंपनीज में आप देखोगे कि 5 years का जो एज बैंड होता है उसके बाद प्राइस रिवाइज होता है, लेकिन HDFC Ergo हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्लान्स में ऐसा नहीं है। आपको हर साल भी रिविजन देखने को मिल सकता है, इस साल 10% हो गया, अगले साल 20% हो गया, और कई बार तो काफी ज्यादा हाइक भी हो जाता है, जो कि ज्यादातर पॉलिसी होल्डर्स के लिए परेशानी वाली बात है, क्योंकि हर कोई अपने पैसे को बचाना चाहता है और कम पैसे के अंदर अच्छी कवरेज लेना चाहता है, लेकिन इस तरह से अगर फ्रीक्वेंट रिविजन होंगे तो वो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यहां नजर आता है। और तीसरी कमी जो HDFC Ergo हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के साथ है वो ये कि अगर सर्विस से रिलेटेड अगर आपको छोटा मोटा कोई चेंज करवाना हो, प्रपोजल चेंज करवाना है, या कोई फैमिली मेंबर ऐड करवाना है, या फिर पॉलिसी को माइग्रेट करना है, तो काफी मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन आपको फेस करनी पड़ेगी, जो कि एक पॉलिसी होल्डर के लिए काफी मुश्किल वाली बात है। अगर एजेंट असिस्ट करता है तो वो
आसान हो सकती है, लेकिन फिर भी आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इनका क्लेम प्रोसेस भी ऑनलाइन है रिइंबर्समेंट का, तो फिर भी बहुत से मैनुअल प्रोसेस ऐसे हैं जो कि सर्विस में परेशानी खड़ी करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट कार्ड की सीरीज में हमने जो रिसर्च की है आपके लिए HDFC Ergo हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, इससे आपकी नॉलेज में, आपकी अवेयरनेस में, इस कंपनी के बारे में आपकी जानकारी में कुछ इजाफा जरूर हुआ होगा। HDFC Ergo हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, या HDFC Ergo हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको कैसी लगी, ये अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। रिपोर्ट कार्ड सीरीज का ये पहला वीडियो आपको कैसा लगा और इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो आप किस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।